नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सियाराम स्टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में, जिसके Q1 के रिजल्ट आने वाले थे, यानी तिमाही के नतीजे आने वाले थे, जो कि अब आ चुके हैं। दोस्तों, जैसे हमें उम्मीदें थीं कि इस बैंक से या इस शेयर से हमें काफ़ी अच्छे नंबर शो होने वाले हैं, यानी इसका एक रिजल्ट अच्छा आने वाला है, सेम वही हुआ है। इसने कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स हमें शो करे हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो बैंक के मुनाफे में 61% की और नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी जिसे आप NII भी कहते हैं, उसमें 39% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छे और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा है। और 765 करोड़ रुपए की कंपनी के ऊपर का मुनाफा, यानी 765 करोड़ के ऊपर का मुनाफा कंपनी ने किया है, ये भी कंपनी का जो मुनाफा है एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो डेफिनेटली कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर शो करे हैं, जो उम्मीदें लोग लगाकर बैठे थे उससे भी काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी ने शो करे हैं। अब इसका क्या नतीजा होने वाला है? दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो, अभी कंपनी का प्राइस 84 रुपीज के आसपास चल रहा है। जैसे ही मंडे को ट्रेडिंग शुरू होगी, हो सकता है जो अब इसमें टारगेट अगले नज़र आ रहे हैं, एक महीने के अंदर अंदर, यानी इन आ वन मंथ, ये शेयर आपको 100 रुपये के प्राइस के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। एक महीने के अंदर इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बाइंग करना चाहता है, जो पोजिशनल ट्रेडर है, जो एक आध महीने के लिए कोई शेयर होल्ड करना चाहता है, डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। 100 रुपये का टारगेट ये आपको एक महीने के अंदर अंदर दिखा सकता है। और जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, यानी जो होल्ड कर रखा है जिन्होंने, उनके लिए बस एक ही राय मैं दूंगा कि होल्ड ही करो। काफ़ी अच्छे नंबर्स ये कंपनी आने वाले समय में भी शो करेगी। अगर किसी ने इस शेयर को लंबे समय से होल्ड कर रखा है तो अभी आप और होल्ड कर सकते हो, अच्छे नंबर्स कंपनी ये शो करेगी। आई होप